फ्रेंड्स, मैं प्रीति प्रीति की लाइफ स्टाइल में चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए मटरी बनाने जा रही हूँ, चाशनी वाली मटरी, और जो कि किसी भी फेस्टिवल में आप बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि दिवाली है या फिर करवा चौथ में, सरगी में आप बहुत लोग खाते हैं मटरी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए देखिए क्या लगता है। मैंने एक कटोरी बड़ी कटोरी मैदा ले लिया है, ये छोटी कटोरी मैंने चीनी ले ली है, और ये मैंने आधी कटोरी ऑयल ले लिया है मोवन के लिए, और थोड़ी सी इलायची ले ली है। अब पहले हम क्या करते हैं, इसको हम डो लगा लेते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, हम इसमें डाल देते हैं, और इसमें मोवन हम डाल देंगे अच्छे से, ताकि हमारी जो है ये क्रिस्पी बने थोड़ी सी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए मैंने ऑयल से मिक्स कर लिया है। ये देखिए मेरे लड्डू अच्छे से बन रहे हैं, इसका मतलब मेरा मोवन जो है बहुत अच्छा सा लग चुका है। अब इसे क्या करेंगे, हल्के गुनगुने पानी से हम इसे डो लगाएंगे। हल्के गुनगुने पानी से इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो मेरी मटरी है ना क्रिस्पी बने। वैसे आप नॉर्मल पानी से आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे हल्के गुनगुने पानी से इसे डो लगाऊंगी। गुनगुने पानी से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छे से डो लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए मेरा डो जो है लग के तैयार हो गया। ना मेरा ज़्यादा टाइट है लगाया है, ना मैंने सॉफ्ट लगाया है, मतलब रोटी जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया है। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि हमारी जो मटरी है वो अच्छे से बने। तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम ढक के इसे रख देंगे। देखिए मेरा 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से मेरा लग चुका है। एक बार और इसे हम, ताकि जो है अच्छे से बन सके। अब ऐसे छोटी सी लोई लेकर हम इसे बेल देंगे, अच्छे मोटी पतली जैसे भी आप बनाना चाहें, आप अपने चॉइस के अनुसार बना सकते हैं। छोटी भी बना सकते हैं और बड़ी भी बना सकते हैं। तो मैं बस इतनी ही रखूँगी, इतनी बड़ी। और इसके बाद बेलने के बाद हम इसे कांटे से इस तरीके से कर देंगे, ताकि जो हमारी मटरी फूले नहीं और अच्छे से बन जाए। इस तरीके से हम सारी बना लेंगे। ये देखिए मैंने बना लिया, ज़्यादा मैंने पतली भी नहीं रखी है और अच्छे से। ये देखिए मैंने छोटी बनाई है। आप उसमें अब हम तेल गरम हो गया, इसमें डाल देंगे। आप बड़ी बनाना चाहें तो आप बड़ी बना सकते हैं, और जितनी कढ़ाई में है उतने ही डालें। अब हम लोग स्लो आंच में पकाएंगे, ताकि हमारी मटरी जो है अंदर तक पक जाए। ये देखिए मेरी मटरी पकना स्टार्ट हो गया हमें, और ये हम धीमी आंच में ही इसे गोल्डन होने तक पकाएंगे इसके। देखिए मेरी जो ये देखिए गोल्डन हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छे से गोल्डन हुए हो गई हैं। अब इसे निकाल लेंगे। ये देखिए मेरी मटरी जो है सारी गोल्डन कलर की सब निकल चुकी हैं, और इसके याद रखिए कि इसके दोनों तरफ ही आप करना, ताकि मेरी जो मटरी ये देखिए कितनी क्रिस्पी बन गई है। अब हम लोग चाशनी की तैयारी करते हैं। फ्राई पैन चला दिया है, इसमें मैं जो एक कटोरी चीनी ली है इसमें डाल देंगे। अब आधी कटोरी हम लोग पानी डालेंगे, इसे मेल्ट होने तक हम लोग इसको चलाएंगे। ये देखिए मेल्ट होना, सारी भूल के चुकना स्टार्ट हो चुकी है मेरी ये चीनी। अब हमें दो तार वाली ही चाशनी चाहिए, जब तक दो तार वाली चाशनी नहीं होती तब तक हम इसे पकाएंगे। मेरी चीनी में बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा इलायची डाल देंगे, ताकि अच्छा फ्लेवर आए। ये देखिए बन गई, और इसे चेक करने के लिए हम थोड़ा सा इसको पानी में डालेंगे। फिर इसके बाद देखिए, ये देखिए जमना स्टार्ट हो गया हमारा। ये देखिए जम चुका है, जम रहा है ना पानी में डालने पर, इससे पता चलता है कि हमारी जो ये चाशनी अब रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हम सारे ये मटरी हैं डाल देंगे, और इसे दोनों तरफ से चला देंगे सारी डालकर। ये देखिए मेरी चाशनी कितनी अच्छी से मटरी पर चढ़ चुकी है। इसे बीच बीच में चलाते रहेगा इस तरीके से, ताकि वरना मटरी जो है एक दूसरे पर ऐसे चिपक जाएंगी तो बेकार हो जाएंगी, इसलिए इसे बीच बीच में हम लोग चलाते रहेंगे। ये देखिए सारी मटरी मेरी चाशनी अच्छे से चढ़ चुकी है। अब इसे प्लेट में निकालेंगे। मेरी मटरी तैयार हो चुकी है। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मटरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये मटरी आपको कैसे लगी। तो अभी किसी भी दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, इस पर आराम से बनाइए और इस डिश को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय।